हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आप अपने फोन में फोटो एडिटिंग करने का शौक रखते हैं तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाला हूं मैं कमाल की एक एंड्रॉइड की एप्लीकेशन के बारे में, जिसकी मदद से आप अपने फोटो पर टाइपो इफेक्ट ला सकते हो। फ्रेंड्स, यदि आप टाइपो इफेक्ट के बारे में नहीं जानते तो ये एक तरह से एडिटिंग इफेक्ट है, जिसकी मदद से आप अपने फोटो पे कई सारे टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, जिसके बाद आपका फोटो कुछ देखने में इस तरह से लगता है जैसे कि पूरा का पूरा टेक्स्ट से मिलकर बना हो जाए। यदि आपको अपने फोटो पर प्रॉपर टाइपो इफेक्ट लाना है तो उसके लिए आपको फोटोशॉप की मदद लेनी होती है, पर आपको कुछ हद तक आप अपने फोटो पे टाइपो इफेक्ट लाने के लिए क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेली वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं। आपको एक एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उस एप्लीकेशन के बारे में आपको सारा कुछ मैं बता देता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वीडियो को नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी जिससे आप क्लिक करके सीधे ही उस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर परमिशन मांगेगा, उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। तो फर्स्ट नंबर का है टाइपो स्केच, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फोटो भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप फोटो क्लिक करके और आपकी गैलरी में भी आपको लेके चला जाता है। तो गैलरी से उस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिसको आपको यहाँ पर एडिट करना है। क्रॉप का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से आप उस फोटो को क्रॉप भी कर सकते हो और उसके बाद ओके कर सकते हो। ये फोटो अपना एक तरह से अब टाइपो इफेक्ट में जा चुका है, जो कि आप देखोगे यहाँ पर आपको राइट टू लेफ्ट स्क्रैच करने में बता रहा है कि यदि आप उसको राइट टू लेफ्ट करते हो तो आप देख सकते हो स्केच वाला फोटो जो कि पेंसिल से स्केच किया हुआ लगता है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है। और यदि आप इसको राइट पे स्क्रॉल कर दोगे तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट जो टाइपो इफेक्ट है वो देखने को मिल जाते हैं। नीचे की साइड वही फर्स्ट नंबर का टाइपोग्राफी का ऑप्शन है, सेकंड नंबर का है इफेक्ट, जिसमें आप कई कलर्ड वाले टाइपो इफेक्ट हैं जो कि आप देख सकते हो। यदि आपको अपने फोटो पर कलर देना है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। नीचे की साइड है थर्ड नंबर का ऑप्शन जो कि वर्ड का, जो कि आप देख सकते हो यहाँ कई सारे वर्ड हैं जो कि इसमें जुड़े हुए हैं पहले से ही। तो यहाँ पे आप अपना नाम भी देना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर आप दे सकते हो। तो यहाँ पर आपको ऐड करना है और उसको ओके कर देना है, तो यहाँ पर आपका उस वो वर्ड भी इसमें जुड़ जाएगा। फिर नीचे की साइड है फॉन्ट, जिसमें आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो कई सारे फॉन्ट भी है जो कि यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। आपको चाहिए कि मेरे फोटो पर कई सारे और भी टेक्स्ट अलग तरह के फॉन्ट होने चाहिए तो उनको आप सेलेक्ट करके ओके कर दोगे तो वो फॉन्ट आपके फोटो पर देखने को मिल जाएंगे। तो नीचे की साइड आपको यहाँ पर ओवरले का ऑप्शन और देखने को मिल जाता है, जिससे आप कलर दे सकते हो अपने टाइपिंग वाले फोटो इफेक्ट में, तो वो फोटो आपका देखने में और भी ज़्यादा गजब लगता है। तो यहाँ पर आप कलर को दे सकते हो और उसके बाद नीचे की साइड ऑप्शन मिल जाता है कॉन्टेक्स्ट का, जो कि यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट देना कॉन्टेक्स्ट का चेंज करना चाहते हो वो भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पर अपना फोटो देखने में बहुत ज़्यादा कूल लगता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ के इस दूसरे ऑप्शन के बारे में, जो कि यहाँ पर आपको बैक करना है और यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर नीचे की साइड आपको मिल रहा है आप टाइपोग्राफी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन है, वही सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। ये सीधे ही आपको गैलरी में लेके चला जाता है। तो यहाँ से मैं दूसरा फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। ये आपके कलर्ड फोटो के लिए स्क्रैच वाला है, जो कि यहाँ पर आपको टाइपोग्राफी है वो दूसरी टाइप की मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर डिफॉल्ट इफेक्ट है जो कि यहाँ पर आपको मिल जा रहा है, तो उसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपको उनके इंस्ट्रक्शन है जो कि बताए जा रहे हैं, तो उनको आपको नेक्स्ट करना है और वो सब आपको इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं। तो यहाँ पर आपको वही सारे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा टाइपोग्राफी में चेंज हो चुका है। यहाँ पर वही सारे इफेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, फॉन्ट वगैरह जो भी यहाँ पर आप देख सकते हो, ओवरले और स्टिकर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर स्टिकर भी आप अपने फोटो में लगा सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पर सारा इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। यदि आप इसको डिफॉल्ट पे क्लिक करते हो तो आपका फोटो अपने आप से ऑटो ही टेक्स्ट में चेंज हो सकता है, जो कि आप देख सकते हो देखने में बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सारा कुछ आपको मैं बता दिया हूँ, सारा कुछ आपको समझ में आ भी गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। इसी तरह की एडिटिंग वाली वीडियोज डेली देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जोड़ सकते हो और यहाँ पर आपको कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड लोगों को शेयर कर देना फेसबुक और व्हाट्सएप पे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ऑल पे। यदि आप मेरे और जाते जाते लास्ट में आपको तीन वीडियोस और देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक।